फाइनली हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मयंक भाई ब्लॉग में आपका स्वागत है। फाइनली अपन लोग न्यू ब्लॉग लेके आ चुके हैं। अपन लोग भाई काइट शॉपिंग करने वाले हैं। चंदा पतंग वालों के यहाँ काफी मस्त दुकान है और काफी फेमस दुकान है अपने यहाँ की। भाई अभी इनके यहाँ दोबारा वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अब अपडेट हो चुकी है इनकी दुकान। काफी सारा सामान आ चुका है, काफी सारा माल आ चुका है। चलिए फटाफट अपन लोग सामान लेते हैं। काफी सारे नए नए मंजे आए हुए हैं। इधर देख रहे कॉटन मांजे इस तरीके आ गए भाई, तो अपन लोग लेते हैं। आइए फटाफट, कॉटन मांजा भी बहुत मस्त मस्त आ गए हैं बरेली के। अभी अपन लोग ने चरखी निकाल ली अपने चरखा 12 रील का जो सद्दी वाला है। अब भाई इसमें भरवाते हैं प्योर कॉटन मांजा बरेली का। चाचा का नाम है चंदा और भाई काफी मस्त दुकान है, काफी पुरानी दुकान है झांसी की। बरेली का मांजा है, बढ़िया तो बरेली का मांजा होता है ना, बेस्ट मांजा होता है। हाँ तो बरेली का मांजा दे दो आप, थोड़ा कड़क सा हो जाए। हाँ एकदम कड़ा होगा, बढ़िया होगा, बदाम पानी होगा। फिलहाल अपन लोग डार्क ग्रीन वाला मांजा लेते हैं और काफी अच्छा आएगा। मशीन है कि ऐसे हाथ से बन जाए? हाथ से बन जाए। करो अपन 20 रुपये का कर ले रहे एक बार ही का। फिलहाल इनके यहाँ जो काफी पुराना पुराना मांजा है ना, बहुत बेहतरीन निकलता। डार्क ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का जो मांजा है ज्यादा अच्छा निकलता। कागज की पतंग दे दो आप, कौन छल्ले तो होंगे खाना है, माल खत्म हो गया है। हम चरखी लेना चाहेंगे, क्या रेट की? 200 रुपये की मिल जाएगी आपको, छोटी वाली चरखी मिल जाएगी 200 रुपये की है, बढ़िया माल। माल जी चाहिए माल? हाँ इसी का छोटे वाली होगी, सिर्फ 3 रील की है ना, जैसे 6 रील शहरी। फिलहाल जो जितनी भी चरखियाँ लगी 6 रील की है, सबको सजेशन देते हैं हम अपनी तरफ से। भाई डार्क कलर का मांजा उड़ा है और कॉटन मांजा सबसे बेस्ट है ये भी। डार्क कलर में हमने लिया है, डार्क ग्रीन कलर का अलग ही दिख रहा होगा मांजा, एक नंबर मांजा है। और फिलहाल अपन लोग ले रहे हैं कागज वाली पतंगे, कुछ ज्यादा नहीं ले रहा है अपन लोग, सिर्फ कागज वाली पतंगे लेंगे अकेले। काफी मस्त मस्त पतंगे भी मिलते हैं। अभी आपको चाचा से भी बात करा दे, कहाँ पे है ये दुकान? पतंग कितनी करना है आपको? 15 रुपये की 2। अपन ने अभी जो वाली पतंगे ले ली 4, 15 रुपए की 2 है, 30 रुपए की 4 है, और ये मांजा ले लिया 20 रुपए का, और एक बारी का हो जाएगा ये मांजा। इतनी बड़ी पतंग, इतनी बड़ी बड़ी पतंग बनाते हो, और जब उड़ती है तो ऐसा लगता है उड़ता हुआ बच्चा आसमान में, इतनी मस्त पतंग देती है। तो अभी फिलहाल बाहर है ना? बाहर गए हो, कल आ जाएंगे, कल हम करवा देंगे, परसों करवा देंगे। अगर अभी पतंग बनाएंगे तो हमारे लिए हम ऑर्डर दे देंगे, अभी अपने लिए नहीं बनाएंगे वो इस टाइम। अच्छा सीजन में नहीं बनाते, ऑफ सीजन में बनाते हो? अच्छा, जब ऑफ सीजन में फ्री रहते ना तो फ्री में बैठ के आराम से रूम में पतंग काटा छीला छाली करेंगे और फिर डिजाइन डालेंगे उसमें। डिजाइन तुम देख लो खूबसूरत, जैसे डिजाइन नहीं देख, मतलब पंजाबी या पाकिस्तान वाला जो ड्राइंग, अरे एक से एक डिजाइन है, बहुत खूबसूरती डिजाइन है। इतनी बड़ी पतंग थी 50 रुपये लाइन ऐसी टांगते थे हम डिजाइन बना बना के। हाँ खेज झील दोनों का है, तेज हवा में ढील, मध्य हवा में खेत से लड़ता है, माजा कोई भी हो लड़ता है सर, खेच तेज हवा में ढील। ठीक है मैं जय वाला भी हो, तुम पतंग उड़ा दे हमारे मस, हमारे मदर से मैं तो कदर दी पतंग असर से मगरिब तक। चाचा से सबसे पहले नाम पूछते हैं और उनकी दुकान पूछते हैं कहाँ पे है। चलिए चाचा आप बता दीजिए। हमारा नाम है चंदा पतंग वाले, हाँ। साथी बाजार झांसी, और ये दुकान अपनी बहुत पुरानी है। अच्छा, और इस पे हमारे दादाजी बैठते थे, पापा जी बैठते थे, अब हम संभालते हैं इस दुकान को। झांसी में अपने जितने भी चाहने वाले हैं उनको शुभकामनाएँ हमारी संक्रांति, और आप जितने भी बच्चे हैं बेटा अपना ध्यान रखें कि कभी भी कोई ऐसा काम मत करें जिससे कि आपके मम्मी पापा को परेशानी हो या किसी से कष्ट हो, ऐसा काम करें जिससे बच्चे हमेशा खुश रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। तो फिलहाल अपन ने भाई अभी सामान तो ले लिया, जितने भी ये मांजे देख रहे हैं ना, ये सारे मांजे 1, 2, 3 के डोर पे बने हैं और सारे डार्क कलर के मांजे हैं और बढ़िया बढ़िया मांजे हैं, काफी बढ़िया कॉटन मांजे आ चुके हैं, नया माल आ चुका है। मकर संक्रांति के लिए भाई आपको इस तरह से सामान लेना है तो बेधड़क रिकमेंड है कि आप लेके जाइए मांजे, ब्लैक मांजा, रेड मांजा और डार्क ग्रीन मांजे, काफी मस्त रहेंगे जो चल रहा है अभी हाल फिलहाल में, मैंने खोल लिया है। चलिए फटाफट घर पे चलते हैं और पतंगबाजी करते हैं, आइएगा। फाइनली गाइस अभी अपन लोग शॉपिंग करके आ चुके हैं चंदा पतंग वालों के यहाँ से और काफी मस्त शॉपिंग हुई है अपनी। क्या तगड़ा तगड़े मांजे आए हुए हैं भाई, एक नंबर मांजे ब्रांडेड बिल्कुल। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने कहाँ से ली थी ये चरखी और कितने की आई थी, तो भाई ये मैंने शायद से 300 कुछ का गुल्ला भरवाया था, 320 या 350 का शायद से, इसमें पूरी 1 किलो सद्दी भरी है। फिलहाल अपन लोग इसमें मंजा लपेटे हुए हैं जो अपन लोग चंदा पतंग वालों के यहाँ से दुकान से ले आएगा। फाइनली गाइस अब आप सोचते होंगे कि भाई मांजा कैसे लें, मांजा लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती होगी, कौन
कौन सा मांजा लें और कैसा लें। फिलहाल जो अभी मैंने मांजा लिया ये देखो भाई इस तरीके है, काफी मस्त है लेकिन डार्क है ना। एक चीज देखोगे आप बहुत डार्क मांजा है, डार्क ग्रीन, डार्क रेड, डार्क मेहरून टाइप का हो गया। ब्लैक कलर का मांजा तो सबसे बढ़िया रहेगा रहेगा। अब एक चीज और चेक करनी है कि हाथ फेर के अगर आपके हाथ पे महसूस हो रहा है ना मांजे का कि भाई हाँ जी है बाकी में, एक चीज और बताना चाहेंगे ऐसे आप देखो इसके छल्ले बन रहे, देखो अलग ही टाइप से छल्ले बन रहे हैं, अलग कड़क है। कड़क मांजा लेना है सर्दियों में क्योंकि इस समय क्या है सर्दियां रहती, मौसम में मॉइस्चर रहता है, आप देखते होंगे कागज वाली पतंग कभी कभी फट भी जाती उसकी वजह से। उसमें क्या है मांजा कड़क रहेगा ना, जितना कड़क रहेगा उतना अच्छा है। सामान मैंने क्या क्या लिया था, 20 रुपए का मांजा लिया था मैंने, एक बारी का मेरे यूज हो जाता भाई सीधी बात है, तो मैं एक बारी के लिए ले लेता क्योंकि ज्यादा बेस्ट रहता। और काफी मस्त मांजा है इनका, बरेली का मांजा है ये। अपन ने लिए 4 पतंगे कागज वाली, 15 रुपए की 2 मुड्डे दी है ये, और काफी मस्त है ये, मंजूली साइज है, काफी अलग अलग डिजाइन भी दी है। ये अखियल और ये है पटियल, पटियल में भी डिजाइन है कि देख लो भाई। अगर आप झांसी में रहते हैं तो भाई चंदा पतंग वाले इनके यहाँ से आप सामान ले सकते हो, बेधड़क काफी मस्त मस्त सामान है। और भाई आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हैं, तो बेल आइकन जरूर ऑल कर लीजिए क्योंकि अभी मकर संक्रांति आने वाली है, तो अपन लोग काफी सारी वीडियो डाल रहे हैं लगातार। तो आप सभी को भाई हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोग भाई कमेंट में भर भर के आई लव काइट लिखिए, तो बहुत पसंद करता हूँ भाई काइट को, काफी मजा आता है मुझे पतंग उड़ाने में, काफी मजा करिए मकर संक्रांति वाले दिन। आज का भाई क्वेश्चन ये रहा कि भाई इसको हम बोलते हैं चरखी, आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसको बोलते क्या है। काफी लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, इस तरीके कुछ अलग जानने को ना एक खुशी सी मिलती है कि फिरकी बोलते हैं, चरखी बोलते हैं, या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आप लोग बता सकते हैं इसको क्या कहेंगे अपन लोग अपनी भाषा में, आप लोग जहाँ से भी दिख रहे हैं, तो लव फ्रॉम भाई हो जाए कमेंट में काफी भर भर के। चलिए चैनल कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर लो लाइक, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, खत्म, टाटा बाय बाय।